मैं पृथ्वी हूं। मेरे दामन में कुदरत के अनमोल खजाने हैं। मेरे साथ दिन के उजाले भी हैं और रात के अंधेरे भी। मेरे सीने पर सीमाओं और सरहदों की लकीरें खींचकर मुझे तकसीम किया गया। मैं कई हिस्सों में बट गई। किसी ने चीन के नाम से पुकारा, तो किसी ने रूस के नाम से, तो किसी ने ईरान और किसी ने हिंदुस्तान। मैं रही पृथ्वी। आज से 176 साल पहले मेरी कोखली ऐसे ही सुरमा को जन्म दिया, जिसने मेरा नाम सारे जहां में रोशन कर दिया। बहादुरी जिसके नाम से लड़पती थी, वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कहानी की शुरुआत करने के लिए आइए आपको ले चलते हैं हिंदुस्तान के छोटे से शहर जिसका नाम है झांसी। ये है झांसी, हिंदुस्तान के ही वजूद में बसी एक खुशहाल रियासत। झांसी के राजा रघुनाथ राव की मृत्यु के बाद प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि झांसी राज सिंहासन पर किसे बैठाया जाए। ये है कॉन्फ्रेंस हॉल। यहाँ ग्वालियर राज के रेजिडेंट स्पियर्स आरलाड की मौजूदगी में आला ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही है। मसला है, झांसी के राजा रघुनाथ राव भागवत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। रघुनाथ राव के छोटे भाई गंगाधर राव, रामचंद्र राव का दत्तक पुत्र कृष्ण राव, रघुनाथ राव की रखेल बांदी गजरा का पुत्र नवाब अली बहादुर या रघुनाथ राव की महारानी। सभी दावेदारों पर विचार करने के बाद मिस्टर गंगाधर राव को राजा मुकर्रर किया जाता है। जेंटलमैन, कांग्रेचुलेशन मिस्टर गंगाधर राव, बट ब्रिटिश राज के कुछ कंडीशंस जो राजा को मानना होगा। आर्टिकल नंबर 6 के मुताबिक फुल एंड फाइनल, अंग्रेजों के हित को ध्यान में रखते हुए आजादी, सुलह और व्यापार को बरकरार रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजें झांसी में रखनी होगी, जिसके खर्चे के लिए राजा को 2,57,458 रुपया सालाना ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा। और ये भी शर्त माननी होगी कि झांसी की तमाम फौज मौजूदा फौजियों को हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में शामिल करना होगा, तथा दो थोपे भी इसमें शामिल होंगे। और अगर हमारी शर्तें मंजूर है तो इसे पढ़कर इस करारनामे पर सिग्नेचर कीजिए प्लीज। ये तो ठीक है, लेकिन हमारे भी एक शर्त है। हर साल दशहरे के शुभ अवसर पर अंग्रेजी फौज परेड के साथ सलामी देगी और हमारी झांसी की हिफाजत करेगी। Why not? Your Highness, long live the king. Thank you. हमारी भी मुबारकबाद कबूल हो हुजूर। तुम खुश हो, हमें अच्छा लगा। लेकिन हुजूर, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन आपने महाराज बनने में थोड़ी जल्दबाजी दिखा दी हुजूर। यदि आप इससे पहले राजगुरु से सलाह मशवरा कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता हुजूर। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो हो गया सो हो गया, राजगुरु का आशीर्वाद तो लेना ही है। इस वक्त राजगुरु होंगे कहां? हमें पता है हुजूर, हमेशा की तरह या तो सिंहासन की पूजा कर रहे होंगे या फिर झांसी की सलामती की दुआ मांग रहे होंगे हुजूर। अब यदि आपकी इजाजत हो तो आशीर्वाद लेने की तैयारी की जाए हुजूर। जरूर जरूर जी, नेक काम में देरी किस बात की। आओ। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमः तस्य नमो नमः। जय देवा जय देवा जय देवा। मुझे अपने लिए कुछ ना दे, मगर झांसी के लिए ऐसा ज्ञानी योद्धा दे जो दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देकर
और राशि मर्यादा को कायम रख सके। आपकी मनोकामना पूरी हो गई राजगुरु, राज को योग्य राजा मिल गया। हाँ गुरुदेव, ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ शर्तें मानने के बाद उन्होंने मुझे झांसी का राजा बना दिया। ये तुमने क्या किया? तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे? इस शर्तनामे पे दस्तखत करते वक्त मैं ये नहीं होने दूंगा। क्यों गुरुदेव, क्या मेरा राजा बनना आपको अच्छा नहीं लगा? गंगाधर राव की रगों में खून है, पानी नहीं। जी सच। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा गंगाधर राव, ऐसा ही होगा। जिन शर्तों को तुम मान चुके हो उन शर्तों को मैं कब का ठुकरा चुका हूं। मैंने अंग्रेज फौजों को झांसी में रहने की कभी इजाजत नहीं दी है, और तुमने तुमने तो पूरी बागडोरी उनके हाथ में सौंप दी है। काश काश मैं वहां होता तो ऐसा नहीं करने देता। लेकिन राजगुरु, शर्तें तो वही है जो रामचंद्र राव के जमाने में थी। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो तीसरे का बीच में बोलना मुनासिब नहीं होता है। गुरुदेव, अंग्रेजी फौज हमें सलामी देगी, झांसी की हिफाजत भी करेगी। ओ, एक सलामी के लिए तुमने पूरी झांसी को उनके आगे झुका दिया। वो झांसी की हिफाजत नहीं, झांसी पर जुल्म करेंगे, और मैं ये जुल्म होते नहीं देख सकता। झांसी अंधेरों में डूबता नजर आ रहा है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुरुदेव, गलती होगी, हमें माफ करना। मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। हमारी इस भूल को आप ही सुधार सकते हो गुरुदेव। नहीं मानते हो तो सुनो, अभी मुझे जाना होगा, लेकिन कसम भगवती मां की, एक बार इस राज्य की सेवा करने जरूर आऊंगा, उस शक्ति के साथ जो तुम्हारी इस गलती को मिटा सके, तुम्हारे झुके हुए सिर को उठा सके और झांसी के बिगड़े हुए इतिहास को बना सके। जय भगवती मां। आज तक तो मन्नू हमारा इंतजार करती थी, पर आज पहली बार हमें उसका इंतजार करना पड़ रहा है। आओ मन्नू। आज क्या गुड़ियों से खेलने लगी थी? नाना राव, मैं आ गई। नाना देखो मैं आ गई। राव मैं आ गई हूँ। नहीं, मुझे गुड़िया से नहीं, नाना मुझे तीर तलवार से खेलने का शौक है। ये लो संभालो। तभी तो घुड़सवारी में तुम लोग मेरे पीछे रह जाते हो। चले आओ नाना, आओ चलो। कई बार कोशिश कर चुके हो लेकिन मनु से जितना मुश्किल है। आंसू बहाता है वो इंसान अपने स्वराज के लिए बलिदान कैसे दे सकता है। नाना आओ, नाना उठो, नाना आओ, आओ नाना आओ, धीरे से पैर को बुलाकर आपकी मलम पट्टी करवा देंगे। आओ आओ राव।
मन्नू। कुछ भी कहिए, अपनी मन्नू है बड़ी बहादुर। देखा नहीं आपने कैसे घायल नाना साहब को घोड़ी पर बिठाकर सही सलामत वापस ले आई। हेलो राव। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। सच है तात्या, सच है। अरे ये तो हमारी श्रीमन सरकार की कृपा दृष्टि का नतीजा है तात्या। सही बात है। ये हाथी इस समय कहाँ जा रहा है? लगता है नाना साहब बैठे हैं। काका इस हालत में हाथी सवारी? तात्या वो घूमने जा रहे हैं, उनका दिल बहल जाएगा। इस हालत में घाव बढ़ भी सकते हैं। तात्या आप चिंता मत करो, देखो पालकी में दो दो मुलायम तकिया लगवा दिया है, और हाँ हाथी भी धीरे धीरे चल रहा है। नाना, नाना, नाना मुझे भी ले चलो। राव, राव मुझे भी ले चलो ना। मन्नू पीछे मत आओ। मुझे भी ले चलो। मुझे भी हाथी पर ले चलो। मैंने कहा था ना, कल तुमने मुझे घोड़े से गिराया था, आज क्या हाथी से गिराओगी? नहीं गिराऊंगी नाना। तुम्हारे लिए घोड़े की सवारी है। मुझे ले चलो ना। मैं हाथ छोड़ती हूँ। मुझे ले चलो। मन्नू जिद मत करो, हाथी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए घोड़ा है। मन्नू आगे से हट। मन्नू, मन्नू आगे से हट। मोरो पंजे, मन्नू को संभालो। मन्नू, मोरो पंजे, मन्नू क्या कर रही है तू? मन्नू संभालो, मन्नू क्या? मन्नू संभालो अपने आप को, ये क्या कर रही हो? अरे जान दे देगी क्या तू है? मुझे भी मन्नू जिद मत कर, मन्नू जिद मत कर। मुझे भी हाथी पर जाना है बाबा। क्यों जिद कर रही है तू? हाँ क्यों जिद कर रही है? क्यों नहीं समझ रही है? अरे तू गरीब ब्राह्मण की बेटी है, अरे ना तो अब कोई छत्रधारी है और ना कोई राज रजवाड़ा है। बाबा मुझे हाथी पे बैठना है। मनु नहीं, मनु नहीं, तेरे भाग में हाथी नहीं लिखा है, समझी? नहीं बाबा नहीं, मेरे भाग्य में तो 10-10 हाथी लिखे हैं बाबा, 10-10 हाथी। मनु, मनु तू समझ क्यों नहीं रही है? क्यों जिद कर रही है तू? मनु जिद मत करो, चलो हम कथा पुराण पढ़ेंगे। नहीं, मैं अपने घोड़े से ही जाऊंगी और नाना के हाथी को तंग करूंगी। मनु, मनु तू मेरी बात समझ। अरे हाथी बिगड़ गया तो नाना को चोट पहुंचेगी। मेरी बात समझ मेरी बेटी, मेरी बात समझ। हाँ, नाना को तो चोट लग सकती है, नाना को चोट लगेगी। मोरपंथ जी, मोरपंथ जी, श्रीमन साहब ने आपको दरबार में बुलाया है। तो फिर मैं अपने श्रीमन काका के पास जाऊंगी। श्रीमन काका के पास? काका बुलाया है? कोई खास बात? झांसी के राजगुरु तात्या दीक्षित आए हुए हैं, मनु की शादी की चर्चा चल रही है, मनु की जन्मपत्री लेकर आपको राज दरबार में बुलाया है। ठीक है, आप चलिए, मैं जन्मपत्री लेकर आता हूँ। जी तात्या, जन्मपत्री? ठीक है, तुम जन्मपत्री लेके दरबार में हाजिर हो, सब ठीक होगा। जन्मपत्री मनु की? क्या बात है राजगुरु जी, हमारी छवीली की जन्म कुंडली देखकर आप कुछ गहरी सोच में पड़े हुए हैं। महाराज, मैंने आज तक इतनी प्रभावशाली कुंडली कभी किसी की नहीं देखी। पहला मंगल, दूसरा सूर्य और चौथे घर में बृहस्पति विराजमान है, अर्थात इस कुंडली में भाग्य भी है, ज्ञान की सरस्वती भी है और शक्ति की दुर्गा भी है। जिस कुंडली में ये तीनों ग्रह समा जाएं, उस कुंडली की तो बात ही अलग है। जन्म कुंडली पढ़कर आपने मेरे दुखों को कम कर दिया है। आप क्या जाने, 4 साल की उम्र में इसकी माँ का देहांत हो गया था। श्रीमंत काका प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये देखिए राजगुरु जी, हम सब जिसकी कुंडली की चर्चा कर रहे हैं, यही है वो बच्ची छवीली। आ बेटा, यहाँ बैठो, आ जाओ। श्रीमंत काका, मुझे लगता है कि आप लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हो, पर यहाँ पर तो चुप रहे, ज्यादा चपड़ चपड़ मत किया कर। मोरपन बोल दो उसे, क्यों टोक रहे हो? बोल बेटा, जो बनना बोलो। मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो। गुरुजी, नाना और राव सभी लोग हाथी पर बैठते हैं, घूमते हैं, आप मुझे बताइए कि मेरे हाथों में हाथी है या नहीं। अरे हाँ बाबा, अब तुम भी हाथी पे चढ़ना बस। हाँ, तुम्हारे भाग्य में बहुत सारे हाथी घोड़े हैं। सच? तुम्हारी हाथ की रेखा देखकर इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारा ये हाथ, हाँ,
एक दिन भारत के कलंक को धोएगा। सच राजगुरु? बेटी मैं राजगुरु बिठुर के इस खीरे को झांसी के मुकुट में जड़ने आया हूँ। अब बावली है महाराज, इसकी बातों में ना आइए। गरीब ब्राह्मण की बेटी है, कुछ न कुछ बातें करती रहती है। इसकी बातों का बुरा मत मानिए, छोटा मुंह और बड़ी बातें। चल चल उठ। पर मामा, चल उठ। राव, तुम भी चलो। राव, रुको मेरा पंत। जल्दी आओ। राजगुरु तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी। मोरो पंत, छबीली ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सत्य है। झांसी से लेकर बिठुर तक मैं जिस वीरांगना की तलाश कर रहा था वो तुम्हारे घर में है। अहो भाग्य मेरे, आप सिर्फ आज्ञा करें। मैं कौन होता हूं आज्ञा देने वाला? मेरी समझ में नहीं आ रहा है मोरो पंत कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। मैं समझा देता हूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी जरूर। देखो मोरो पंत, अब तुमसे क्या छिपाना। राजगुरु चाहते हैं कि छबीली का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से किया जाए। ये कैसे हो सकता है? आप क्या कह रहे हैं? वो कहां? झांसी के राजा गंगाधर राव 40-45 की उम्र और मेरी छबीली 8-10 साल की? नहीं नहीं। शांत मोरो पंत शांत, ये शादी भोग विलास के लिए नहीं होगी। ये शादी झांसी की रक्षा करने के लिए होगी। आपकी ये दूरदर्शिता मैं बातें सुनकर मैं एक गरीब ब्राह्मण और क्या कह सकता हूं। आप जानते हैं कि मेरी छबीली रानी बनेगी और आप ये भी जानते हैं कि मैं श्रीमंत बाजीराव सरकार के एक सेवक हूं। अगर ये आज्ञा दे तो मैं। देखो मरपंत, हमारी आज्ञा है और इस विवाह को हमारा आशीर्वाद भी है। हम छबीली का विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि, अथ प्राणिग्रह संस्कार। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अथ विष्णु नमः स्वाहा, अथ लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। अरे पंडित जी, आपके तो हाथ कांप रहे हैं। ऐसी गांठ बांधिए जो कभी छूटे नहीं। लाइए लाइए, मैं बांध देती हूँ। हाँ, इसे ऐसे बांधते हैं पंडित जी। ओम क्लिंगमाय नमः, ओम सर्वे देवताभ्यो नमः। फेरे के लिए खड़े हो जाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलायतनो हरि। ओम अस्य अग्निहोत्रस्य, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम बाबा आशीर्वाद दीजिए। सदा खुश रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। मनु, पेशवा की गोद में तू खेल कूद कर पली बढ़ी है। अब तू छबीली नहीं रही बेटी, तू अब बड़ी हो चुकी है। बेटी अपने अपने आदर्शों और कर्तव्यों का ध्यान रखना, पति की पूजा के साथ साथ अपने फर्ज का भी ध्यान रखना बेटी, क्योंकि आज से तू नए जीवन की शुरुआत कर रही है। सदा सुहागन रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। बाबा देखना, पेशवाओं का सर हमेशा ऊंचा रहेगा। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े बाबा। बाबा बधाई हो महाराज। अच्छा मोरपंती,
महाराज आइए, झांसी की प्रजा आपको देखने के लिए ललायत है, आइए आइए। प्रणाम महारानी। प्रणाम। कुछ कहना चाहती हो? जी हाँ महारानी जी। तो कहो कौन हो तुम लोग? हम सब आपकी दासियां हैं। मैं हूँ सुंदर और यह है मुंदर और ये सब भी। दासी? दासी क्या होता है? महाराज ने स्वयं आपकी सेवा में 16 दासियों को नियुक्त किया है। तो तुम 16 दासियां मिलकर हमारी सेवा करोगी? हमारी कौन सी सेवा करोगी तुम लोग? महारानी जी ऐसी कौन सी सेवा जो हम लोग नहीं कर सकते? क्यूरी सही कहा ना? जिस वक्त काम नहीं रहेगा उस वक्त महारानी के चरणों में बैठकर सेवा करते रहेंगे। अच्छा दासी हो तो तुम्हें हमारे आज्ञा का पालन करना होगा। क्यों नहीं रानी साहिबा, बस आपकी आज्ञा मिलने की देर है। बाकी हम लोग तो सुनो, आज से तुम लोग मेरी दासियां नहीं सहेलियां बनकर रहोगी, मंजूर? ये आप क्या कह रही हैं रानी साहिबा? देखो भाई जो कह दिया सो कह दिया, अब आज्ञा का पालन करना है तो करो वरना। अरे मुस्कुरा दो। महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। बस 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 देखो अब तो सहेलियां बन गई हो तुम लोग, पर सहेलियां बने रहने के लिए तुम लोगों को एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? देखो भाई मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम लोग तलवारबाजी, घुड़सवारी और कुश्तियाँ सीखो। तो ये शर्त मंजूर? जी रानी जी मंजूर, हमें मंजूर है। हमें मंजूर है। महारानी की जय। महारानी की जय। सावधान, झांसी की नई नवेली महारानी। चलिए पेशवा की छबीली। चलिए रानी साहिबा। बिठूर में जन्मी और खेली मोरो पंत की मन्नू। गंगाधर राव की भवानी झांसी की रानी पधार रही है। दरबार में हाजिरान, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। महाराष्ट्र और बुंदेलखंड की प्रथा के अनुसार इस खुशी के मौके पर रियासत के रस्मों और रिवाजों को पूरा करने के लिए हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं। प्रथा के अनुसार नई दुल्हन का नामकरण होगा जिसकी घोषणा स्वयं महाराज करेंगे। योर हाइनेस, राज कपूर अधिकार मिल गया। वाह बड़ी खुशी की खबर लाए हो। इस खुशी के मौके पर हम इस हाजराने दरबार से यह कहने को मजबूर हैं कि अभी अभी खबर आई है झांसी राज के सभी अख्तियार हमारे हाथ में आ गए हैं। वाह 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 मुबारक मुबारक। इसका मतलब यह है कि जैसे ही रानी के कदम झांसी की मिट्टी पर पड़े हैं लक्ष्मी के कदम आए तो क्यों ना हम इनका नाम लक्ष्मी। रानी लक्ष्मीबाई रखें। रानी लक्ष्मीबाई की जय। रानी लक्ष्मीबाई की जय। रानी लक्ष्मीबाई की जय। महाराज आज इस खुशी के मौके पे मैं भी आपसे कुछ मांगू? मांगिए महारानी साहिबा। बताती हूँ इतने उतावले मत होइए। बाबा मैं हाँ बाबा मैं आप ही से कह रही हूँ, आज आपको अपनी बेटी से आंखें मिलाने में इतना संकोच क्यों है? आप ही ने तो मुझे अनुसे महारानी बनाया है। आइए बाबा मेरे पास आइए। हाँ मोरोपन आओ हमारे करीब आओ। अब संकोच कैसा? अब रस्मों और रिवाजों के अनुसार आप हमारे ससुर हो गए हैं। आओ जो जी चाहे मांगो। महाराज आपने मेरी बेटी को झांसी की कुर्सी पर बिठाकर मुझे मुझे सब कुछ दे दिया। महाराज मैं एक गरीब ब्राह्मण आपसे इतना ही चाहता हूं कि मेरी ये बेटी बहुत अबोध है। महाराज वो इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती।
परम पूज्य राजगुरु ने अपनी पारखी नजर से उसे झांसी की रानी बना दिया। वाह मोरोपंत वाह, पेशवाओं के साथ रहकर जो गुण आपने पाए थे उनके बारे में सुना तो था लेकिन उससे कई ज्यादा पाया। आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। राजगुरु आपका क्या विचार है? विचारों से क्या होता है महाराज, आप देखते जाइए। मनु की ललाट से वो सितारा चमकेगा जो पूरे झांसी का इतिहास होगा। कल से मनु राजगुरु से शिक्षा ग्रहण करेगी। महाराज गंगाधर राव की जय। 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 महाराज गंगाधर राव की। बढ़ते जाए रे वो एक मर्दानी झांसी की रानी। जय वीर भवानी झांसी की रानी। कोई उसको रोक न पाए रे वो आगे बढ़ते जाए रे वो एक मर्दानी झांसी की रानी। वीर भवानी झांसी की रानी। वो एक मर्दानी झांसी की रानी। वीर भवानी झांसी की रानी। बचपन में जैसे की कांटों से यारी, हर पल वक्त गुजारा लेके बरछी ढाल शिकारी। फूलों के बचपन में जैसे की कांटों से यारी, हर पल वक्त गुजारा लेके बरछी ढाल कटारी। बढ़ते जाए रे वो एक मर्दानी झांसी की रानी। जय वीर भवानी झांसी की रानी। वो एक मर्दानी झांसी की रानी। जय वीर भवानी झांसी की रानी। शाबाश मनु शाबाश। मनु मैंने तुम्हें वो सारे ज्ञान सिखाए हैं जो तुम्हें महाभारत और रामायण की अंतरात्मा तक पहुंचाएंगे। मैंने तुम्हें वो सारे गुण दिए हैं जो एक जाबाज बहादुर में होने चाहिए। अपनी शौर्यता का प्रमाण ऐसे देना जिस तरह छत्रपति शिवाजी ने मराठाओं की आन बचाने के लिए दिया था। ये लो मनु, इस तलवार पर हाथ रखकर शपथ लो कि तुम इस धरती पर सारे दुश्मनों का सर्वनाश करोगी। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव मैं इस ऐतिहासिक समय पर इस तलवार की सौगंध खाकर यह प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं अपनी सारी जिंदगी देश के हिफाजत में लगा दूंगी तब तक जब तक देश आजाद ना हो जाए। अब तक झांसी की हर एक मूवमेंट पर नजर रखो। राजा तो ठीक है, कई बार हमारा हेल्प किया है। हमारा जासूस नवाब अली याद है? कौन? वो राजा का स्टेप ब्रदर। क्या कहा तुमने? स्टेप ब्रदर? ये नवाब का बच्चा राजा का स्टेप ब्रदर कैसे हुआ? राजा के फादर की एक कीप थी जिसका नाम लच्छी बाई था। ये नवाब उसी का बेटा है। हाँ, उससे मिलना जुलना शुरू करो और उसको अपना जासूस बना लो। हाँ एक बात और,
उसका एक खास आदमी है पीर अली, उसे भी अपना जासूस बना लो, वक्त पर काम आएगा। आदाब, मैं नवाब अली हुजूर, आपका खादिम। सर ये वही नवाब अली है जिसका जिक्र अभी हम लोग कर रहा था। ओके यू मीन जासूस, तुम गंगा और तिलक के बारे में क्या जानते हो? अगर कुछ जानते हो तो हम तुमको मालामाल कर देगा। हुजूर ने कहा और मुझे मिल गया हुजूर, खुदा आपको लाजशाह बनाए हुजूर। हुजूर खबरों की शुरुआत कर ही देता हूँ तो सुनिए। सुना है गंगाधर राव को झांसी की जनता कतई पसंद नहीं करती, उनको जनता की कतई परवाह नहीं है हुजूर। उनको अगर परवाह है तो केवल उस नाटक मंडली की, जहाँ नृत्य का आनंद लिया जा रहा है हुजूर, बस खाली। दीवाना आया है जाना, अपना बना ले दिल से लगा ले, इलबर को ना तड़पा। अपना बना ले दिल से लगा ले, इलबर को ना तड़पा। बख्श तुम यहां कैसे? तुम्हें तो निकाल लिया था मैंने। मंत्री जी। हुजूर ये यहां कैसे आया? हुजूर मुझे कुछ नहीं पता। हाजिर करो दरबार में, मैं देख लूंगा। जी हुजूर। क्षमा कीजिए हुजूर, क्षमा कीजिए श्रीमान सरकार, क्षमा कीजिए। कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? रघुआ हुजूर। कितने सालों से काम कर रहा है तू? 15 साल से। 15 साल से फिर भी ये भूल गए? खुदा बख्श हमारी नाट्यशाला तक कैसे पहुंचा? हुजूर श्रीमत सरकार में भूल गया था, लेकिन जब आप तीर्थ यात्रा से वापस आए तो आपने काफी लोगों को क्षमा कर दिया था, तो मैंने सोचा कि आपने उसको भी क्षमा कर दिया होगा हुजूर। माय बाप मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता नहीं था? हमने उसे राज से बाहर निकाल दिया है। क्षमा कर दो महाराज, गुनाह गुनाह होता है। क्षमा करो महाराज, मैं आपके पैर पड़ता हूं महाराज, मुझे क्षमा करो महाराज। महाराज इस गुनाह की एक ही सजा है, बिच्छू का डंक। नहीं महाराज, अभी हुक्म की तामील हो। मुझ पर दया करो। नहीं नहीं महाराज, मुझ पर दया कीजिए महाराज। हुजूर श्रीमत सरकार मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए हुजूर, मुझे बिच्छू से मत कटवाइए। श्रीमत सरकार मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए हुजूर। हुजूर मुझे क्षमा कर दीजिए हुजूर। महाराज श्रीमत सरकार मुझ पर दया कीजिए सरकार। हुजूर श्रीमत सरकार मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए हुजूर। मुझे बिच्छू से मत कटवाइए सरकार। हुजूर मुझे क्षमा कीजिए। मुझ पर दया कीजिए महाराज। क्या बात है रानी, उदास क्यों हो? नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है। हम उदास इसलिए नहीं है कि महाराज नाटक रूपी खुशियां मना रहे हैं, हम उदास इसलिए हैं कि इन खुशियों में खोखलापन है। आपको शासन का अधिकार मिलते ही झांसी में खलचल मच गई
घर घर दिवाली मनाई गई। लोगों को ये विश्वास हो गया कि अब अंग्रेजों के अत्याचार से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अपने ही राज्य में दंड का ऐसा विधान कि साधारण से साधारण अपराध के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। नंगे बदन पर कोड़े लगवाना, लोहे के छड़ को गर्म करके बदन में दाग देना, पिच्छू से डंक मरवाना, इतनी कठोरता। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? प्राणनाथ, आपके द्वारा भी ऐसी ही सजा। हम समझ नहीं पाए। मैं स्वामी को वास्तविक महाराज बना हुआ देखना चाहती हूँ, बनावटी नहीं। आप आपके कीमती आंसू जाया कर रही हैं। ये आंसू नहीं, गंगा जल है। तो ये गंगा जल पीने की हमें? प्राणनाथ, तो आप ही कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं ताकि हमारी रानी खुश हो जाए। हम कुछ भी देख सकते हैं लेकिन हमारी रानी की आंखों में आंसू नहीं। सच महाराज, तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। राज्य की संपत्ति को पानी की भांति ना बहाएं। जनता की शक्ति में ही ईश्वर का वास है। आप सैनिक शक्ति को बढ़ाएं। छोटी छोटी बातों के लिए ब्रिटिशों की सहायता मत लीजिए और आप अपनी जनता के साथ कठोरता पूर्वक व्यवहार ना करें। माना कि हमने आपके कहने के अनुसार सब कुछ किया, फिर भी शासन प्रणाली में अचानक परिवर्तन से ब्रिटिशों को शक नहीं होगा? और अगर हम हमारे राज के बारे में सतर्क नहीं रहे तो राज हमारे हाथ से चला जाएगा। और आप ही बताइए, हमारे बाद कंपनी सरकार झांसी की बागडोर क्या खुद संभाल नहीं लेगी? लेकिन इसका कुछ उपाय तो होगा ना महाराज? उपाय है। इसके लिए हमें झांसी की जनता जनार्दन का विश्वास संपादन करना होगा। पर इसलिए हमें एक राजकुमार की जरूरत है। पर महाराज, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो ईश्वर के हाथ में है। जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। जब से लागी लगन है यारा, दिल समझे दिल के इशारे, बन के दीवाने आए मिलन को, देखो कैसे मोहब्बत के मारे। खुला है आसमान, इश्क है जमा, चुप है जुबान, खोए खोए नैना करार रखा। इश्क है जमा, चुप है जुबान, खोए खोए नैना करार रखा। अल्लाह 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 अल्लाह, इश्क है जमा, चुप है जुबान, खोए खोए नैना करार रखा। इश्क है जमा, चुप है जुबान, खोए खोए नैना करार रखा। सागा पा सागा पा सापा सामा पा गामा कर सा, सागा पा सापा सामा पा गामा कर सा। दीन ता ना देरे ना ना तरा देरे ना तरा देरे ना दीन ता पानी सा गारे सानी सा नी पा नी पा नी पा मा मा गारे सा। इश्क है जवान तुम्हें तुम्हां कोई कोई मैं ना कनाए जवान। इश्क में दो दिल मिलते जिदे है वही हो जाता बसेरा। काली कनेरी रात में भी तब, काली कनेरी रात में भी तब लगता जैसे सवेरा। तू बात कर ले मुलाकात कर ले, रब ने बनाया हसी ये आशिया। इश्क है जवान चुप है जवान, कोई कोई मैं ना कराए कहा। इश्क है जवान
है जमा, चुप है सुबा, खोए खोए नैना करार है कहाँ। इश्क है जमा, चुप है सुबा, खोए खोए नैना करार है कहाँ। प्यार मोहब्बत रोग निराला, नैनो से लग जाए नैना, बिन मिले बेचैन रहेंगे, बिन मिले बेचैन रहेंगे, मिलके भी पाए ना चैना, तो चल मेरे दिल सामने है मंजिल, राह मोहब्बत की बड़ी खुशनुमा। इश्क है जवान, चुप है जवान, कोई कोई नैना करार है कहाँ। इश्क है जवान, चुप है जवान, कोई कोई नैना करार है कहाँ। अल्लाह 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 अल्लाह। जो आ गया है योर हाइनेस, आज संडे है यानी इतवार, और संडे को हमारा सिपाही छुट्टी मनाता है। यही वजह है कि इस दिन सिपाही कमर कसने को हुक्म नहीं देता। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे करारनामे के मुताबिक संडे यानी कि इतवार का कोई जिक्र नहीं है, जिक्र है तो केवल त्योहार का। आप मेरी बात नहीं समझा। समझ गए, हम आपकी बात अच्छी तरह समझ गए। महारानी साहिबा, ये इनकी चाल है, मनगढ़ंत चाल है, ये कल के पर्व में ना आने का बहाना बना रहे हैं। क्यों? लेकिन हम ऐसा क्यों करेगा? वाकई में हम इतवार के दिन कमर नहीं कसते। इतवार इतवार इतवार, तारीख गवाह है, ऑफिसर 20 जून 1756, वो भी इतवार का ही दिन था। अंग्रेजी फौज ने सिराजुद्दौला के साथ जंग शुरू की थी। तब तुम्हारी फौज कहाँ पर थी ऑफिसर, बोलो? और सुनो, 3 जनवरी 1757 तुम्हारी अंग्रेजी फौज ने कलकत्ता पर कब्जा किया था, उस दिन भी इतवार था, यानी कि तुम्हारा संडे। अब तुम बताओ, कहाँ गए तुम्हारे उसूल, कहाँ गया तुम्हारा इतवार, जिसका ढिंडोरा पीट कर झांसी की रानी के साथ टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हो। I'm so sorry, Your Highness. हमारी फौज आपके त्योहार में हिस्सा लेगी, जरूर लेगी। ओके योर हाइनेस, ऑल द बेस्ट। योर हाइनेस, महारानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय। बुंदेलखंड के रस्म और रिवाज के मुताबिक हम सारी शादीशुदा औरतें अपने पति की सलामती के लिए वट वृक्ष की पूजा करते हैं, और इसकी शुरुआत करेंगी आप। मैं? नमस्कार रानी साहिबा, पहले हमें आप एक बात बताइए कि शंकर भगवान सारे विश्व में कौन से नामों से जाने जाते हैं? भोलेनाथ, शिव शंभु, गिरजा शंकर, महेश। सारी बात तो सरकार आपने बता दी, लेकिन एक बात नहीं बताई कि शंकर भगवान के जटायु से जो धारा बहती है उसको क्या कहते हैं? धारा, रुद्राक्ष, और कभी सर्प,
जरा अपनी बुद्धि पर जोर डालिए सरकार, और हमें ये बताइए कि भगवान शिव शंकर के जटायु से जो धारा बहती है, हिमालय को पवित्र करके, सारे देश को पवित्र करके वो सागर में जाकर मिलती है, उसको क्या कहते हैं? शंकर के जटायु से जो निकलता है गंगा, जो शिव जी के जटायु से निकली थी। बोल दिया ना पद्धी का नाम। ये तो बहुत बढ़िया है, अब तो समझो कि तुम्हारा काम हो गया। अब जाओ जाओ भाई जाओ। जी जी हुजूर। अरे आओ आओ। खुदा झूठ ना बुलवाए। क्या खबर लाए हो? खुदा झूठ ना बुलवाए हुजूर, हुजूर के हुत हुए वो काम भला रुकाए अभी तक। लाहौल विला हुजूर, लाहौल विला को मत। खबर खबर की बात कर रहे हुजूर? अरे इस खबर की तो पूरी झांसी को खबर है, और आपको खबर नहीं? ओ, अरे खबर खबर से खबर को समझो, खबर समझना ही एक खबर है, वो खबर समझकर जो ना समझा मेरी नजर में वो बेखबर है हुजूर। हीर अली तुम पहेलिया मत बुझाओ, जो भी है साफ साफ बताओ। ठीक है बता रहा हूँ हुजूर, लगता है झांसी की राजगद्दी पर बैठने का जो सपना है ना वो पूरा नहीं होगा हुजूर। अब पूछो क्यों? वो क्या है ना हुजूर, झांसी की राजगद्दी पर राज करने वाला उत्तराधिकारी वारिस अब आने वाला हुजूर। क्या बोला तूने? फिर से बोल। अरे हुजूर प्लीज गले को तो छोड़ो, गले को तो छोड़ो हुजूर। क्या सच बोलने का यही अंजाम होता है? तो सुन लीजिए, महारानी माँ बनने वाली है हुजूर। हाँ महारानी माँ बनने वाली है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। झांसी का राजा तो मैं ही बनूंगा। इस बच्चे की खुशी का इंतजार तो महाराज बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं हुजूर। हाँ ठीक हो जाएगी, सब से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। क्या हुआ कुछ तो बताओ। अभी कुछ नहीं है। मालिक कुछ तो दया कर। क्या हुआ? अभी कुछ नहीं सरकार। बधाई हो, बधाई हो, महाराज को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। भगवान ने मेरी सुन ली। ये लो खुश हो। जय हो। सारी झांसी में ऐलान कर दो, झांसी के राजकुमार पैदा हो गए हैं। जय हो गरीबों को दिल खोल कर दान कर दो। बिल्कुल महाराज। सभी अपराधियों को मुक्त कर दो। ऐसा ही करेंगे महाराज। मैं सारी झांसी को झूमता हुआ देखना चाहता हूँ। जरूर देखिए महाराज, लेकिन इस राजपुत्र का तो ख्याल कीजिए महाराज, सिर्फ 500 रुपए पेंशन पर जी रहा हूँ महाराज। आप भी क्या याद रखोगे, जाओ पेंशन की अर्जी दे दो, मैं रानी को मिलकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है महाराज। ये तो बिल्कुल माँ पर गया है ना? नहीं ये तो महाराज पर गया है। क्यों महारानी? बहुत शरारती हो, मारूंगी तुम्हें। आओ चलें। महाराज की जय। महाराज की जय। शरारती तो हम भी हो गए हैं। आप भी ना? जरा उठा कर देखते हैं। अभी नहीं, बहुत छोटा है। जी हाँ छोटे हैं आप, छोटे हैं ना। महाराज की जय, महाराज की जय, राजकुमार की जय, महाराज की।
खुशी में खुशियां मनाओ। ले 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 ले। मेरा बेटा, मेरा सोना, मेरा बाबू, सो जा। मेरा बेटा और भाऊ साहब आपसे मिलने आए हैं। क्या तातिया और भाऊ साहब? कैसे हो? क्या सुनाओ छबीली, राजा की हालत तो तुम्हें मालूम ही, इन अंग्रेजों का तंबू बढ़ता ही जा रहा है। पर उनको रोकने का कोई तो उपाय होगा। कुछ नहीं, इसीलिए राव साहब जी ने हमें आपके पास भेजा है, उन्हें आपके विवेक और बुद्धि पर पूरा भरोसा है। लक्ष्मण के नवाब साहब से मिले थे आप? गया था, लेकिन नवाब साहब को सुरा और सुंदरी से फुर्सत कहाँ है। उनका प्रधानमंत्री हिंदू है, लेकिन वो भी नवाब साहब के सामने विवश है। जागीरदारों से भी मुलाकात हुई, उन्हें भी एक सही नेतृत्व का इंतजार है। ये काम नाना साहब और आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम सभी को संगठित होना पड़ेगा, और संगठित होते ही अंग्रेजों पर टूट पड़ेंगे। नहीं नाना, अभी समय नहीं आया है, इन गोरों के पाप का घड़ा अभी भी अधूरा है। महाराज को भी उनकी दोस्ती का भ्रम है, और महाराज की तरफ से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी। काश आज हिंदुस्तान का महाराज छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसा कोई होता। मैं समझ गया, आपके विचार सुनके दिल को तसल्ली हुई कि आप में अभी भी जज्बा कायम है। और हमारी हिंदुस्तानी जनता सोई हुई है क्या? नहीं नानी, जनता हमेशा जागती रहती है, उन्हें सिर्फ रास्ता दिखाने वाला चाहिए, उन्हें मशाल चाहिए, और इन्हीं नवाबों और राजाओं में से किसी को मशाल बनना पड़ेगा। आप पर भी इस नन्ही से जान की बहुत जिम्मेदारी है। खैर, राव साहब से क्या कहूं? उनसे कहिए कि समय का इंतजार करें, स्वस्थ होते ही मैं अपने कर्तव्यों और सपनों का पालन करूंगी। लेकिन महाराज कहाँ है? ओहो, मैं तो बताना ही भूल गई, हमारे यहाँ पर पुत्र होने की खुशी में गौरी जश्न मना रहे हैं। महाराज वहीं हैं। बहन जी, कुछ कीजिए। धीरज रखो बेटा, धीरज रखो, भगवान सब ठीक करेंगे, भगवान सब ठीक करेंगे बेटा। बहन जी देख रहे हैं ना, बहन जी दवा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। बहन जी आप ही कुछ करिए, कुछ करिए बहन जी, भगवान के लिए कुछ करिए, मेरे नाते को ठीक कर दीजिए। कोई तो उपचार होगा ना बहन जी। नहीं नहीं, मुझे गोद में झूला बना के पालना रे, सो जा मेरे मुन्नी न तू जागना रे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
Yo, Highness, what happened to you? You are feeling okay? Take him to the palace! महारानी जी, महाराज को संग्रहणी की बीमारी हो गई है। युवराज के खो देने के सदमे से ये अंदर ही अंदर बहुत टूट गए हैं। बस ध्यान से दवाइयां खिलाइए, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। संभालिए अपने आप को महाराज, संभालिए। महारानी, सभी दवाइयां बेअसर सिद्ध हो रही है। महारानी, महंगी से महंगी दवाइयां क्यों ना हो, हमें मंगानी ही पड़ेगी। हर हाल में महाराज को ठीक करना होगा, भले विलायती डॉक्टर को क्यों ना बुलाना पड़े। आया था लेकिन इन्होंने विलायती डॉक्टर के लिए मना कर दिया। ना करता तो और क्या करता, ये गोरे कब धर्म भ्रष्ट करेंगे कोई पता नहीं। जब तक जान में जान है विलायती दवा नहीं पीऊंगा। महाराज, सुना है आपकी तबीयत नासाज है, लेकिन हमें आशा है कि जल्द से जल्द हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन जल्द झांसी राज का वारिस मुकर्रर करो। इस कदर मायूस होने की क्या जरूरत है महाराज, अभी तो विरासत पर, अपनी सल्तनत पर हुजूरे वाला का साया है। मोरोपन जी, वक्त जाया न कीजिए, अब ज्यादा उम्मीद रखने में मतलब नहीं है। वैसे भी अंग्रेजों की नीयत खराब है। उनकी नीयत बदलने से कुछ नहीं होता महाराज, वतन परस्ती का जज्बा हमारे दिल में है। जब तक जान है झांसी पर आंच नहीं आने दूंगा। यह गुलाम मर जाएगा लेकिन झांसी का बाल भी बाका नहीं होने देगा। मुझे गर्व है तुम पर गौस खान, तुम जैसे सपूत झांसी राज को मिले। लेकिन इससे पहले अंग्रेज और कोई चाल चले, मैं चाहता हूं कि राज हेतु दत्तक पुत्र ले लूं। लेकिन महाराज इतनी जल्दी? हाँ, हमने सब देख लिया है। हमारे रिश्तेदार वासुदेव दिवाकर के बेटे आनंद राव, जो संजोग से हमारे पोते भी लगते हैं, उन्हें दत्तक पुत्र लेने का हमारा मानस है जी। राजकुमार बनने के बाद उनका नाम दामोदर राव रखा जाएगा। दत्तक पुत्र की सूचना अंग्रेज सरकार को दे दो। महारानी साहिबा, मुझको लगता है कि वासुदेव दिवाकर के बेटे आनंद राव को बुला लेना चाहिए। जैसा आप ठीक समझे। तुमने अपनी आंखों से देखा था वासुदेव को अपने बेटे को ले जाते हुए? अरे हुजूर, खुदा झूठ ना बुलवाए हुजूर, एकदम सच कह रहा हूँ, ये खबर नहीं है झूठी। आओ वासुदेव आओ, जब से राजगुरु ने कहा कि तुम आने वाले हो, हम बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। प्रणाम बाबा। पैर मत छुओ, ये देखो तुम्हारी माँ, इनको प्रणाम करो। प्रणाम माँ साहेब। मेरा लाल। तुम यहीं रुको। महाराज की जय हो। आओ नवाब आओ। कहाँ रह गए थे, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। महाराज वो अर्जी लेकर गया था सरकार के पास। महाराज आपकी तबीयत कुछ नासाज लग रही है। क्या करें, उम्र का तकाजा है। पर ये क्या महाराज, मैंने सुना है कि आप एक बच्चा गोद ले रहे हैं। हाँ, महारानी साहिबा की इच्छा है। इच्छा महारानी की हो या आपकी, ये गलत है महाराज। आप जानते हैं कि आपके पश्चात झांसी की गद्दी मुझे मिलने वाली है। उसके बाद भी आपने बच्चा गोद लेने का सोचा भी कैसे, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। आपको जो कुछ भी कहना है आप बाद में कहिए। आप बीच में ना आए महारानी, ये हमारे चाचा भतीजा का मामला है। बर्दाश्त की भी हद होती है। तुम भूल गए तुम महाराज और महारानी के सामने बात कर रहे हो, इन फिजूल की बातों का क्या अर्थ है। तुम लोग जाओ यहां से। बदतमीज,
महारानी से सुबह लड़ाता है। महाराज, महाराज अपने आप को संभालिए। महाराज, 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 महाराज क्या हो गया? महाराज, राजगुरु जी, हमें लग रहा है कि हम महाराज, बोलने दीजिए राजगुरु, शायद इसके बाद मैं कभी बोल ना पाऊं। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ध्यान से सुनिए। मेरे ध्यान के बाद राज का कारभार रानी संभालेगी। पुत्र दामोदर को दत्तक करने की प्रक्रिया शास्त्रों के अनुसार कीजिए। जी महाराज, 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 जल्दी से राज जी को बुलाओ। महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी जाइए। महाराज, रानी, महाराज, रानी, गुरुदेव, नजदीक आओ। महाराज, अपने आप को संभालो। गुरुजी, झांसी को अनाथ मत बनने दो। गंगा जल, महाराज, अपराध अपराधों की क्षमा, क्षमा। महाराज जल ग्रहण कीजिए। नहीं महाराज, जल ग्रहण कीजिए। महाराज, राजा गंगाधर राव की मृत्यु होते ही झांसी पर दुर्भाग्य के काले बादल छा गए। मृत्यु के बाद अंग्रेजों का नया रूप देखने को मिला। सेना के लिए रखी गई रकम 2,45,768 रुपए एवं आभूषणों को सील कर दिया गया। इससे नवाब अली बहुत खुश था। गुड, वेरी गुड। एक काम करो, राजा गंगाधर राव के डेथ की सूचना पॉलिटिकल एजेंट मार्टिन को दे दो। आदाब, आदाब, आदाब। ओ नवाब साहब, आओ आओ आओ, टेक योर सीट। बैठना क्या है हुजूर? राजा गंगाधर राव के मरते ही आपने उनके खजाने पर तो कब्जा कर ही लिया। ये कोई कम बात है? नवाब साहब, समय से पहले कुछ नहीं किया जा सकता है, कैसे आना हुआ? हुजूर, आप तो सब जानते हैं, झांसी के नरेश रघुनाथ राव हमारे पिताजी थे। उनके मरने के बाद गंगाधर राव ने सारी जायदाद अपने कब्जे में ले ली और हमें केवल 500 रुपया महीना देते हैं। देखिए हुजूर, अब आप ही बताइए हुजूर, इसमें कैसे गुजारा होगा है? आप अर्जी दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अरे हाँ, रानी साहिबा का क्या हाल है? हुजूर, सुनती सबकी है लेकिन करती अपने मन की है, जो उसका मन चाहे। लेकिन हुजूर, रिश्तेदारों का आना जाना तो लगा ही रहता है। हाँ हुजूर, एकदम सही कह रहे हैं, कुछ तो मेहमान आ गए हैं और कुछ चले गए। इसी तरह पता लगाते रहिए कि माल में कौन आता है कौन जाता है। समझ गए हुजूर, ताली तो दोनों हाथ से बजती है हुजूर। अब आप हमारी मदद कीजिए और हम आपकी मदद करते हैं। ये पीर अली है हुजूर, हमारा खास आदमी, खानदानी आदमी है, बस इसको काम पर लगा देंगे। हमारा काम हो गया हुजूर। हाँ हुजूर, हाँ हुजूर। अब आप तो जानते हैं हुजूर की झांसी की गद्दी पर बैठने का सपना बहुत सालों से पिरोए हुए हैं हुजूर। अब आप अगर चाहे तो इससे बढ़िया मौका तो कुछ हो ही नहीं सकता हुजूर। लेकिन उस दत्तक पुत्र का क्या होगा जो महाराज ने मरने से पहले खोद लेने की अर्जी दी थी? हुजूर, अर्जी तो दी है, अब तक राज तिलक तो नहीं हुआ। जब तक राज तिलक नहीं हो जाता तब तक हुजूर। समझ गए ना? ओके, सब समझ गए, सब समझ गए। अरे सब लोग सब समझ गए, सब समझ गए। चलिए, आदाब, सलाम साहब। अरे अरे, हम भी तो देखते हैं कि दत्तक पुत्र कैसे राज तिलक करवाता है। हाँ मेरे लाल, रानी साहिबा, तातिया और नाना आए हैं। आओ तातिया, आइए नाना। महाराज का निधन सुनके बहुत दुख हुआ। रानी साहिबा, विधि के विधान के आगे मनुष्य लाचार हो जाता है। होनी तो होकर रहती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। रानी साहिबा, आपको याद होगा घुड़सवारी के वक्त जब मैं घोड़े से गिर गया था, आपने मुझसे कहा था, सांसारिक कष्टों से पीड़ित होकर जिनकी आंखों में आंसू आ जाए वो स्वराज हित की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान कैसे कर सकते हैं? अब इनकी जिम्मेदारी भी आप पर है। तो मैं क्या करूं?
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पुत्र खोया, पति खोया, राज्य भी खो गया। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं अभी क्या करूं भाऊ साहब। यदि आप भारत को आजाद करवाना चाहती हैं, यदि आप कृष्ण को अपना पथ प्रदर्शक मानती हैं, तो पति और पुत्र का वियोग करना एक बहुत बड़ा अपराध होगा। याद कीजिए कृष्ण की वाणी को, याद कीजिए काली और दुर्गा को, जो दुश्मनों का संहार करने के लिए अपने हाथों में तलवार उठाया था। याद कीजिए, गोरों के किसी चाल से पहले दामोदर राव का राज्याभिषेक करा दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलाय तनो हरि। ओम तिलकस्य यजमानस्य चिरंजीवी यशस्वी भवन्तुः। ओम शांति ही शांति शांति ही। ओम पृथ्वी शांति, धरती शांति, वर्ण शांति, यशुद शांति, अग्नि शांति, सर्व शांति। क्यों मैं? ये रात के लाभ बंद कर दो। ऑफिसर, माहौल देखकर बात करो। पूजा की विधि में बाधा डालना गुनाह है। मैं ये गुनाह अपने जनरल गवर्नर के हुक्म से कर रहा हूँ, और मैं ये हुक्म देता हूँ, ये दत्तक पुत्र के राजतिलक को रोक दो, ये नहीं हो सकता। और मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम के तहत हुक्म देता हूँ कि दत्तक पुत्र दामोदर राव का राजतिलक जारी रहेगा। और याद रहे, जब तक राज तिलक समाप्त नहीं हो जाता, राज तिलक के बाद ही आपके फरमान पर गौर किया जाएगा। पंडित जी, जी, राज तिलक की विधि जारी रखें। ओम पूर्णमद पूर्णविदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब आप जो गवर्नर जनरल का फरमान सुनाना चाहते थे सुना सकते हैं। योहानेस, गवर्नर जनरल ने आपकी खिदमत में यह बोला है कि ब्रिटिश सरकार दत्तक पुत्र दामोदर राव को राजा बनाने से इनकार करती है और झांसी राज्य को अपने अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाता है। बस 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 बस, बस, बस। बंद करो अपनी बकवास। याददाश्त के मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारी गोरी फौज ने कई मृत राजाओं के विधवाओं के दत्तक पुत्रों को राजा की उपाधि दी है। योर हाइनेस, जो भी गवर्नर जनरल ने हमें ऑर्डर दिया वह हमने आपके सामने पेश किया। और सुनो, 1834 घाट की राजा की विधवा, 1836 जनकोजी सिंधे की विधवा और 1841 कृष्णगढ़ की रानी के दत्तक पुत्र को राजा की उपाधि दी थी। तो जब ये सही था तो मेरे दत्तक पुत्र दामोदर राव को क्यों नहीं मान्यता दी जा सकती? बोलो, जवाब दो। आप सर झुकाए क्यों खड़े हो? जवाब क्यों नहीं देते? मेरे बस में जो कुछ भी हो सकता था वो मैंने किया। बस बहुत हो चुका ऑफिसर। आपके गवर्नर जनरल ये भूल रहे हैं कि झांसी उनके बाप की जागीर नहीं, झांसी पर सिर्फ झांसी की जनता का राज चलता है। जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे कसम है मेरी अपनी झांसी की एवं अपने पूर्वजों की कि मैं डलहौजी की ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है और लहू का एक भी कतरा बाकी है, मैं झांसी वासियों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। सुना तुम लोगों ने? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मर्दानी झांसी की रानी, वीर भवानी झांसी की रानी, एक मर्दानी झांसी की रानी, वीर भवानी झांसी की रानी। कैप्टन गॉर्डन। यस सर। तुम्हारा रिपोर्ट हमने पढ़ा। हमारे समझ से तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक हमें बहुत अलर्ट होना मांगता। वैसे हम ये जानना मांगता है कि वो झांसी की रानी ने तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर किया। वेलकम सेलिब्रेशन तो बहुत अच्छा था सर, बट कुछ कुछ ठीक नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहता है? हम ये कहना चाहता है सर, रानी का तेवर कुछ विद्रोही लग रहा है और वह
नए ब्रिगेड बनाने का बात कर रहा है। क्या रानी नारी सैनिक भर्ती करेगी? क्या हमारी रेजिमेंट काफी नहीं है उसके लिए? नो सर, वो सेल्फ डिफेंस के लिए बना रही है और इस आर्मी में अंग्रेज नहीं होंगे बल्कि यहाँ के मंडे बनिया नाई और मुसलमान लोग होंगे। और सबसे बड़ी हैरत की बात आपके लिए यह है कि इस आर्मी में लेडीज लोग भी होंगे। नो सर, नो, ये हंसने का बात नहीं है, ये सोचने का बात है। अगर यहाँ का 1% लेडीज लोग इस आर्मी में आ गया तो हम अंग्रेज अफसरों को अपना बिस्तर गोल करके ब्रिटेन वापस चले जाना होगा। तुम कहना चाहता है कि हमको इस रैली को बैन कर देना चाहिए? नो सर, नो, हमने ऐसा नहीं कहा। ऐसा करने से पलवा हो सकता है, दंगा फसाद हो सकता है। दिल्ली, बैठूर, कानपुर का हालत ठीक नहीं है और गवर्नर जनरल साहब को रिपोर्ट तो भेजना होगा। ठीक है, रिपोर्ट का चिंता तुम मत करो, वो देखना हमारा काम है। लेकिन ये जो झांसी का सीरियस मैटर है, इसके ऊपर तुमको इस रानी के ऊपर पूरा नजर रखना होगा। यस सर। ताकि ऐसा कोई सेना वेना हमारे खिलाफ बनने नहीं सके और हमारे को कोई चैलेंज नहीं करने सके। ओके, राइट सर। ओके। 7 मार्च 1854 को ब्रिटिश सरकार ने झांसी राज्य को अपने राज्य में मिला लेने की मुहर लगा दी। झांसी का नया कमिश्नर मेजर स्किन को बना दिया गया। रानी महल में चहलियों को तलवारबाजी सिखाती। कहा जाता है जब तक सांस है तब तक आस है। घंटों मछलियों को आटे की गोलियां देती, भगवान गणपति की आराधना करती। रख ली मेरी लाज देवा, रख ली
देवा तो रख ली तू रख ले मेरी लाज देवा मेरी लाज देवा ओ मेरी लाज देवा। प्रणाम राजगुरु। गुरुदेव आप आपने दामोदर के मुंडन के लिए जो लाख रुपए की अर्जी दी थी उसका जवाब आ गया जी। पढ़िए इसमें लिखा है कि दामोदर की अल्प अवस्था को देखते हुए उन्हें यह धन नहीं दिया जा सकता। जब वो बालिग होंगे तो उनका धन ब्याज समेत लौटा दिया जाए। आप जैसा चाहती हैं वैसी कोई व्यवस्था नहीं। हाँ झांसी के संभ्रांत लोग यदि जमानत दे दें तो सरकार रुपया दे सकती है। दामोदर के धरोहर से कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है। नहीं चाहिए हमें ये धन। ये रुपया हमारा है, हमारे संतान के कार्य के लिए है। कोई बात नहीं, मैं दामोदर के मुंडन और जनेऊ कार्य के लिए रुपए इकट्ठा कर लूंगी। That's just good. Very good. हम सारा हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत चाहते हैं। वैसा ही हो रहा है सर, जैसा आप सोच रहे हैं। झांसी राज को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया है। Have a seat, sir. That is good. Yes, sir. Very good. Thank you, sir. I like this officer. झांसी की बाकी व्यवस्था के लिए अंग्रेजी बंदोबस्त किया है या अभी नहीं किया? Sir. बकौल दिस फाइल दीवानों से उनका सारे अधिकार और ऑफिस की चाबियां वापस ले ली गई है। थाने पर अंग्रेजी सरकार का राज्य हो गया है। जिन जिन लोगों को जागीर और जायदाद सौंपी गई थी सर अंग्रेजी सरकार ने उन सब से वापस ले ली है। श्योर जहां से जिला बना दिया गया है। जिला बना दिया गया है फिर पता करो कि वहां के कमिश्नर किंग और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन गार्डन किधर आए। राइट सर। सर दोनों ऑफिसर अपना चार्ज लेके झांसी जेल और मौथाने का मुआयना करने निकल चुके हैं। वेरी गुड। चलो चलो डाल दो इन कमीनों को जेल में डाल दो इनको ले जाओ। Oh yes, Mr. Garden. Hi, officer. How are you? I am fine. How are you? Fine, thank you. तुम्हारा चिट्ठी मिला और हम इधर आ गए। तुम्हारा वो डाकू सागर सिंह किधर है? हमने भी उसका नाम सुना है। सुना है उसका नाम से दुनिया कांपता है। कमान कमान आइए। आइए हुजूर आइए। तुम्हारा नाम क्या है? जी जी What? जी जी जी। और ये तुमने इतना बड़ा बड़ा मूछ क्यों रखा है डाकू जैसा? हम में से किसी ऑफिसर ने भी ऐसा घटिया मूछ रखा नहीं ना? तो तुमने क्यों रखा? रखना है तो छोड़ जा करके रखो। और याद रखा कि हर हिंदुस्तानी को अंग्रेज ऑफिसर के सामने मूछों को नीचे करके आना चाहिए। लाइक देश Go back! Trim karo jaake isko! Go! Come on, sir. Aye. Pakshi Ali. Aye, Hazur, aye. Good. Ha ha, very good. I like it. Hum bahut khush hai. Nadaan hai, Hazur. Pakshi Ali, tum bahut achha intizam kiya hai. हम बहुत खुश है तुम्हारे काम से। क्या नाम बताया था इस डाकू का? हुजूर इसका नाम सागर सिंह है। ये बहुत ही खतरनाक है हुजूर। बड़ी मुश्किल से हमारे पकड़ में आया। देखिए ना हुजूर। तो तुम डाकू सागर सिंह है? कुंवर सागर सिंह नाम है मेरा। बुंदेलखंडी हूँ हुजूर। बरुआ सागर से कुछ दूर रावली गांव।
सुंदर देखते हो, फिर ये डाकू का पैसा क्यों? किस्मत की बात है हुजूर, जो मिला अपना लिया। हमारी फौज में नौकरी क्यों नहीं करता? अच्छा वेतन, खाना, सब कुछ मिलता। आई एम राइट सागर सिंह? कुंवर सागर सिंह कहिए हुजूर। मुझे अकेले नाम से कोई नहीं पुकारता। गुड, वेरी गुड। तो कुंवर सागर सिंह साहब, आपको ये तो मालूम होगा ही कि आपके इसी जेल में एक फांसी घर भी है। काइंडली फॉर योर इंफॉर्मेशन कि मुझे तुमको फांसी देने का अधिकार भी है, और ये काम यानी तुम्हें फांसी दी जा सकती है। सो हाथ पैर बांध कर बेड़ियों में जकड़ कर मुझे फांसी देना चाहते हैं? बेशक दे दीजिए हुजूर, लेकिन एक सागर सिंह मर गया तो क्या, मेरे बाद हजारों सागर सिंह पैदा होंगे। ओह, इसका मतलब तुम्हारे साथ और लोग भी हैं। क्या नाम है उनका? बड़े चालाक हो साहब, यूं ही नाम पूछना चाहते हो, इससे मेरा क्या फायदा होगा? फायदा, ऑफ कोर्स फायदा होगा। अगर तुम सच सच बता दोगे तो तुम्हारी फांसी रोक दी जाएगी और तुम्हें सरकारी गवाह बनाएगा और तुम्हें यहाँ से बरी कर दिया जाएगा। बात तो फायदे की है, मगर ये बेड़ियां, ये हथकड़ियां, और हाँ, इस भूखे पेट से अगर थोड़ी सी राहत मिल जाए तो जरूर बतला दूंगा। तो ठीक है बख्शियाली, जाओ बख्शियाली, इन बेड़ियों से आजाद कर दो और अच्छा अच्छा खाना खिलाओ। हम फिर बाद में मिलता है। जी हुजूर। छोड़ दो इसको। यो ब्रदर्स इंडियंस, तुम क्या कर रहा था? हुजूर का ही हुक्म था कि उसे अच्छा खाना खिलाना और उसकी बेड़ियां खोल देना। पता नहीं कैसा उड़न छू हो गया। कैसा कर गया वो? तुम किधर था? Where are you? हुजूर, बेटा नहीं। माफ कर दीजिए हुजूर। Stop it, officer, stop it. किसी को इतना बेरहमी से मारते हैं क्या? उल्लू का भाई गधा, उठा, उठा भाग चली, उठा। My God, कितना बेरहमी से मारा इसको। शुक्र मनाओ भागशाली कि सारे बहादुरों को माफ कर दिया। जी हुजूर। लेकिन हम तुमको डिसमिस कर देगा। नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए हुजूर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं हुजूर, हुजूर। किसी इंडियन पर ऐसा नहीं किया जा सकता भागशाली। इसी लायक है। ओके भागशाली, ओके, हम तुमको माफ करते हैं, लेकिन उस पहरेदार को कभी माफ नहीं करेंगे जिसके पहले से वो कैदी फरार हुआ है। अब देखता क्या है, जाकर बर्खास्त करो उसको, जाओ। जी हुजूर, जी हुजूर। झांसी की रानी को समाचार मिला कि डाकू सागर सिंह जेल से फरार होने के बाद बरुआ सागर के नजदीक रावली गांव में उत्पात कर रहा है। रानी ने कहा, झांसी में उत्पात करने वाले को जिंदा या मुर्दा हाजिर करो। तुम कुंवर होकर इस तरह डकैती करते हो? डाका डालने में तुम्हें शर्म नहीं आती? अंग्रेजों की गुलामी करने की अपेक्षा मैं डकैती करना बेहतर समझता हूँ रानी साहिबा, और सौगंध है गंगा मैया की, आज तक हमने कभी स्त्रियों, दीन दुखियों को कभी नहीं सताया है महारानी साहिबा। जो भी हो, जिन लोगों पर तुमने डाके डाले हैं वो मेरी प्रजा है, और डाका डालना प्राण दंड से कम नहीं है। बोलो, कौन सी मौत मरना चाहोगे, फांसी से, गोली या तलवार? नहीं रानी साहिबा, इस बागी को फांसी की सजा मत दीजिएगा। अगर मुझे मारना ही चाहती है तो बेशक मेरे सीने पर गोलियों की बौछार कर दीजिए रानी साहिबा। फांसी क्यों नहीं? इसलिए रानी साहिबा, क्योंकि अगर मुझे फांसी की सजा दी गई तो मेरा और मेरे पूरे जाति का अपमान हो जाएगा, और ये बगावत और बढ़ जाएगी रानी साहिबा। और अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो? तुम महारानी के चरणों की सेवा करूंगा, और क्या,
और लड़ाई में शामिल होकर हम लोग अपना बल भी दिखाएंगे। हम लोगों से मतलब? और कितने साथी है तुम्हारे? यही कोई जंगल में 20-30, गांव में 60-70, और इसके अलावा रिश्तेदार और नातेदार भी है रानी साहिबा। क्या वो लोग भी? सब के सब आपकी सेना में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। सौगंध खाओ और अपने आदमियों सहित झांसी की सेना में शामिल हो जाओ, समझे तुम? आपकी दया दृष्टि के लिए धन्यवाद रानी साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो महारानी साहिबा की जय। महारानी साहिबा की जय। महारानी साहिबा की जय। बोलो महारानी साहिबा जय। महारानी साहिबा की जय। महारानी साहिबा की जय। अरे नाना और तातिया, आप लोग क्यों जय बोल रहे हैं? और सुनाओ देश का क्या हाल है? रानी साहिबा, 11 बजे दिन में पूरे भारतवर्ष में एक साथ विद्रोह होगा। देश को फुतर फुतर कर खाने वाले सफेद चूहे, बोल क्या बक रहा था? देखिए आपका तो खून बह रहा है। देखो मत। क्यों? मैं अछूत हूँ? अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने के लिए गाय और सुअर के चमड़े की कारतूस निर्माण करने लगे। दांतों से काट कर जिस सिपाही ने गोली नहीं चलाई उन्हें अंग्रेजों की गोली का शिकार होना पड़ा, जिसकी सूचना मंगल पांडे को मिली। ये तुम मान कर चलो, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो देखना ब्रिटिश सरकार की थज्जियां उड़ जाएंगी। तुम्हें इस समय परेड के लिए इसलिए बुलाया गया है कि कंपनी सरकार की तरफ से कारतूस आ गया है जिसे चलाना बेहद आसान है। बताओ, ये एक नली राइफल दुनिया का सबसे बेहतरीन राइफल है और ये कारतूस है, इसमें बारूद भी है और गोली भी। इसको चलाना भी बेहद आसान है। इसको दांतों से काटो और बंदूक में डालो और यूं चलाओ ऊपर की तरफ। दीशियों समझ गए? साहब आप कुछ भी कहे, ये कारतूस नए हैं और इस कारतूस को हम नहीं चलाएंगे। झूठ, ये कारतूस नए नए पुराने हैं। भारतीय सैनिक इन कारतूसों को छूने से इनकार कर रहे हैं। उनका मानना है इसमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग हो रहा है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। मैं हुक्म देता हूँ, तुम लोगों को ये कारतूस चलाना होगा वरना। कभी नहीं, हम हिंदू मुसलमान इस कारतूस को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। आप नहीं जानते साहब, हमारा समाज हमें अपनी इस बिरादरी से निकाल देगा, हमारा हुक्का पानी बंद कर देगा, हमारे यहाँ लोगों की लाशों को हाथ तक नहीं लगाएगा। आप नहीं जानते साहब समाज में हमारी क्या दुर्दशा होगी, समाज से हमें बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपकी बात से इनकार करते हैं। इनकार करते हैं, ये मत बोलो कि तुम गुलाम हो। हाँ मैं गुलाम जरूर हूँ, मगर इस विद्रोह की चिंगारी को ज्वालामुखी बनाना ही होगा ताकि और मंगल पांडे पैदा हो सके और इस देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करा सके। जय भारत माँ। जय भारत माँ। मंगल पांडे का बेड़िया खोल दो। मंगल पांडे, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अपने हथियार हमें दे दो और अपने लेफ्टिनेंट कर्नल और अपने कमांडेंट को हमारे सामने खड़ा कर दो, हम उनको मार कर मरना चाहते हैं। करोगे मेरी इच्छा पूरी? हमको लगता है पांडे पागल हो गया है, इसको जल्दी फांसी लगाओ। तुझसे ज्यादा जल्दी मुझे है मरने की फिरंगी। जल्लाद सर, फांसी लगाओ। जल्लाद नहीं है सर, जल्लाद की जरूरत नहीं, मैं अपने हाथ से अपनी मौत को गले लगाना चाहता हूँ। भारत माता मुझे माफ करना,
फिरंगियों तुम याद रखना, एक मंगल पांडे जाएगा, हजार मंगल पांडे आएंगे, हजार मंगल पांडे जाएंगे, एक लाख मंगल पांडे आएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा इस देश से तुम लोग बाहर जाओगे, इस देश से तुम लोग जाओगे। जय भारत माता की। मंगल पांडे के बलिदान से भारत के कोने कोने में सैनिक विद्रोह फैल गया। इधर झांसी बाहर से पूरी तरह शांत थी। अंग्रेज महारानी से निश्चिंत थे। वे समझते थे कि पति के मृत्यु के बाद महारानी ने समझौता कर लिया है, किंतु पलटन 1857 को वहाँ भी अचानक विद्रोह हुआ। महारानी साहिबा, बताइए। हम बहुत ट्रबल में है, ऐसे वक्त में आप ही हमारी मदद कर सकती है। हमें हमारी चिंता नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं रानी साहिबा, उन्हें बचा लीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा रानी साहिबा। सरकार, ये जो कह रहा है वो तो ठीक है, पर एक बार सोचिए सरकार, हमारे इस महल में सिपाही ढूंढ लिए तो? सिपाहियों से निपटना हमारा काम है, हमारी लड़ाई अंग्रेज पुरुषों से है, औरतों और बच्चों से नहीं। गार्डन, औरतों और बच्चों को लेकर आप हमारे गुप्त स्थान पर जाएं। सुंदर मुंदर, तुम दोनों इन्हें लेकर जाओ, आप घबराइए मत। थैंक यू रानी साहिबा। जाओ, चलिए। रानी लक्ष्मी बाई की जय। हलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, रानी लक्ष्मी बाई की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सुनिए, तुम में से रिसालदार काले खान कौन है? जी हाँ रानी साहिबा, मैं ही हूँ काले खान। हमने इन वीर सिपाहियों की मदद से तारागढ़ के किले पर फतह हासिल कर ली है और डनलप और गार्डन का काम तमाम कर दिया है। इन्हीं वीर सिपाहियों की मदद से हमने झांसी के किले पर भी फतह हासिल कर लिया है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, निहत्तों का खून बहाकर तुम स्वराज की कल्पना करते हो? तुम्हें क्या लगता है देश का कायदा कानून टूट चुका है? तुम ये भूल रहे हो कि जिस जनता को तुम लूटते हो वो झांसी की जनता है, हमारी जनता है। हुजूर भूल हो गई है, अब आगे क्या करना है आप ही बताइए। तो सुनो, यहाँ से लौट जाओ और अच्छे वक्त का इंतजार करो। सरकार, हमारे सिपाही भूखे हैं और हमें दिल्ली कूच करना है, और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपकी तरफ से 2-3 लाख रुपए मिल जाए तो, वरना हम पूरा का पूरा शहर लूट सकते हैं। तो तुम देशभक्त नहीं लुटेरे कहलाए जाओगे और इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। क्या तुम जानते नहीं कि झांसी अंग्रेजों के अधीन है? हम उनकी पेंशन भी ठुकरा चुके हैं, तो हम रुपए कहाँ से लेकर आए? हेलो खुदा का, मुल्क बादशाह का, रानी लक्ष्मी बाई की जय। हम भूखे हैं, हमें रसद चाहिए, अगर हमें रसद नहीं मिला तो हम पूरा झांसी लूट लेंगे। रुक जाओ, मेरे होते हुए मैं ये अनंत नहीं होने दूंगी। ये लो, इससे तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। मनुष्य की तरह दिल्ली की ओर बढ़ो। हिंदुओं को गंगा की सौगंध और मुसलमानों को कुरान की कसम, अगर किसी पे भी जुल्म ढाया तो। शुक्रिया। हलक खुदा का, हलक खुदा का, हलक बादशाह का। जेंटलमैन, आप लोग जानते हैं कि ये 1857 का विद्रोह हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी का साबित हुआ है और इसका हमें बहुत अफसोस है। इन लोगों ने ऐसे वक्त पर ये विद्रोह शुरू किया जब हमारी फौजें ईरान से लड़ रही थी। कुछ भी हो, हमने फैसला किया है कि जो भी इलाके इस विद्रोह के दौरान हमारे कब्जे से निकल गए हैं उन पर हमें फिर से कब्जा करना है। झांसी का इलाका जिसे हम शांतिपूर्ण इलाका समझते थे बहुत खतरनाक साबित हुआ है। वहां हमारे कई अंग्रेज अफसर मारे गए हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपनी फौज को दो टुकड़ों में बांटेंगे, एक ही कमान
हीरोज के हाथ में होगी। यस सर। जैसे हीरोज सेना की एक टुकड़ी लेकर इधर से होश से होते हुए सागर, फिर रायगढ़, फिर बड़ौदिया, चागर और वानपुर होते हुए झांसी की तरफ कूच करेंगे और वो औरत जो अपने आप को महारानी लक्ष्मीबाई कहती है उससे हमें इस कत्लेआम का पूरा पूरा बदला लेना है। You understand? Yes, sir. चेरो परमिशन सर। परमिशन ग्रांटेड। सर, जिसने भी आपको ये खबर दी है वो पूरी सच्चाई नहीं बता पाया। क्या मतलब? क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था। जोगनबाग के कत्ल में लक्ष्मी बाई का कोई हाथ नहीं सर। Why? बल्कि उन्होंने तो गार्डनर बच्चों को हमारे साथ रखकर हमारी सहायता की। झूठ बोलते हो तुम सर। इनसे पूछो लक्ष्मी बाई ने अपना कीमती हाथ देकर उन भागियों का हेल्प क्यों किया। ठीक है हम सारा मामला समझ चुका है और किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर झांसी की तरफ कूच करो। हमें यकीन है कि 15 दिन बाद हमारी मुलाकात झांसी में होगी और तुम हमारा ये फरमान लेकर उस लक्ष्मीबाई से मिलो। यस सर। योर हाइनेस, ये आपके लिए पैगाम है। रानी साहिबा को ये सूचित किया जाता है कि हम अपनी सेना सहित झांसी में प्रवेश कर चुके हैं। इस पैगाम के जरिए हम तुम्हें बाखबर करते हैं कि हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि तुम्हारे मुल्क में विद्रोह हुआ है और इसमें तुम्हारा पूरा हाथ है। अपनी भाषा पर प्रतिबंध लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं। जी नहीं राजगुरु, इसमें दोष इनका नहीं है, दोष तो पैगाम भेजने वाले का है। इस पैगाम के जरिए तुम्हें सूचित किया जाता है कि अपने दत्तक पुत्र और 8 मंत्रियों के साथ हमारी छावनी में आ जाओ। 24 घंटे के अंदर यदि इस आज्ञा का पालन नहीं किया गया हम अपनी पूरी सेना के साथ झांसी पर हमला बोल देंगे। हमें इस बात की खुशी है कि आपके ऑफिसर हमसे मिलना चाहते हैं। हम उन्हें निराश नहीं करेंगे, हम उनसे अवश्य मिलेंगे, लेकिन अपने 8 मंत्रियों के साथ नहीं, अपने पूरे सेना के साथ। और रही बात छावनी की, तो आप अपने ऑफिसर से कहिएगा कि उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारी संस्कृति और धर्म के अनुसार कोई भी स्त्री किसी भी पर पुरुष के साथ इस तरह नहीं मिलती। और हाँ, आप जनरल डलहौजी से ये भी बताइएगा कि आज तक उन्होंने भारतीय नारी को सिर्फ चूड़ियां पहनते हुए देखा है। नारी के जौहर की ज्वाला और भारतीय तलवार के पानी को नहीं देखा, इसलिए हमारी मुलाकात छावनी में नहीं लड़ाई के मैदान में होगी। प्रतीक्षा करो, जाओ। महारानी की जय। ठीक है ओके। महारानी की जय। महारानी की जय। महारानी की जय। महारानी की जय। धन्य हो महारानी, आपने शिवाजी महाराज के सपने को साकार कर दिया। भारत आपका ये बलिदान सुनहरे अक्षरों में हमेशा याद रखेगा। गुरुदेव, इतिहास तो हमें अब रचना होगा, भले ही हमें उसे अपने खून से ही क्यों न रचना पड़े, क्योंकि जिस नाक को आज हमने ठोकर मारी है उसके फुंकार का जवाब हमें देना होगा।
दे जाए रे वो एक मर्दानी झांसी की रानी, जय वीर भवानी झांसी की रानी। मर्दानी झांसी की रानी, जय वीर भवानी झांसी की रानी, वो एक मर्दानी झांसी की रानी, जय वीर भवानी झांसी की रानी। बचपन में जैसे की कांटों से यारी, हर पल वक्त गुजारा लेके बरछी ढाल कटारी। फूलों के बचपन में जैसे की कांटों से यारी, हर पल वक्त गुजारा लेके बरछी ढाल कटारी। बढ़ते जाए रे वो एक मर्दानी झांसी की रानी, जय वीर भवानी झांसी की रानी, वो एक मर्दानी झांसी की रानी, जय वीर भवानी झांसी की रानी। डूबा आज है झांसी हर सू खुशियां छाई, राजमहल में बहू जो बनके आई लक्ष्मी बाई। जश्न में डूबा आज है झांसी हर सू खुशियां छाई, राजमहल में बहू जो बनके आई लक्ष्मी बाई। बढ़ते जाए रे वो एक मर्दानी झांसी की रानी, जय वीर भवानी झांसी की रानी, वो एक मर्दानी झांसी की रानी। आंगन के पांव हुए भारी रानी के, मन हल्के राजन के। ओ, कोने कोने हुए है रोशन सुने घर आंगन के, पांव हुए भारी रानी के, मन हल्के राजन के। कोई उसको रोक न पाए रे वो आगे बढ़ते जाए रे, कोई उसको रोक न पाए रे वो आगे बढ़ते जाए रे, कोई उसको रोक न पाए रे वो आगे बढ़ते जाए रे वो एक मर्दानी झांसी की रानी, जय वीर भवानी झांसी की रानी, वो एक मर्दानी झांसी की रानी, जय वीर भवानी झांसी की रानी। फूल मुरझाया गोद रह गई सूनी, झांसी हुई लावारिस फिर से होके रही अनहोनी। जन्म लिया है फूल मुरझाया गोद रह गई सूनी, झांसी हुई लावारिस फिर से होके रही अनहोनी। पाए रे वो आगे बढ़ते जाए रे वो एक मर्दानी झांसी की रानी, जय वीर भवानी झांसी की रानी, वो एक मर्दानी झांसी।
झांसी एंड झांसी का किला। हुजूर हुजूर मिल जाएगा हुजूर, जरूर मिलेगा। भला हमारे होते हुए हुजूर को किला ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है भला? समझा, तुम झांसी का राजा बनना चाहते हो लेकिन तुम भूल गया, इसके लिए झांसी की मोटी मोटी दीवारों से टकराना पड़ता है। जी जी हुजूर, मैं आपका इशारा समझ गया। आप चाहते हैं कि मैं झांसी की राजगद्दी हासिल करने के लिए ओरछा का दरवाजा खोल दूं, ताकि आप अपनी सेना के साथ झांसी में आसानी से प्रवेश कर सके। तो ठीक है हुजूर, समझो आपका काम हो गया। अपने झांसी के किले के तोपखाने बारूद खाना सब खराब कर दिया बेटा, सारे सैनिक मारे गए हैं। क्या? और कब परस्त अंग्रेजों ने पूरे किले को अपने कब्जे में कर लिया। अब क्या होगा मन्नू? कुछ भी नहीं होगा गुरुदेव, झांसी पर सिर्फ झांसी की जनता का हक है। ये कार्य जनता ने ही महाराज को दिया था, आज वो नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। पर बेटी, पर बेटी तू अंग्रेजों का मुकाबला अकेली कैसे करेगी? क्यों नहीं लड़ सकती बाबा, क्यों नहीं लड़ सकती? हमारी भारत माता ही हमारी असली माता है। अगर हमें अपनी भारत माता के लिए जान देनी पड़ जाए तो ये गर्व की बात है। और जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है तब तक मैं झांसी के तख्त पर किसी भी शासक को नहीं बैठने दूंगी, और अंग्रेजी शासक को तो हरगिज नहीं बैठने दूंगी। मैं युद्ध करूंगी, युद्ध। अंजाम जानती हो? मौत, मौत से किसे डर लगता है? मैं मौत से नहीं डरती। जब मेरा सब कुछ लुट गया, राजपाट, पति, पुत्र, तो अब डर कैसा? तो यूं कहिए कि अंजाम की बेपरवाह करते हुए आप झांसी राज के बहादुरों को और आने वाले कल के देशभक्तों की हिम्मत को रौंदती हुई खुदकुशी करना चाहती हैं। आप पिता पुत्र और पति की ही अमानत नहीं बल्कि पूरे झांसी राज्य की अमानत हैं। पर गुरुदेव, आपको मैं खुदकुशी नहीं करने दूंगा, आपको मैं उस तालाब में नहीं कूदने दूंगा जिसमें आपको तैरना नहीं आता। सैलाब में कूदने से पहले हमें उसका रास्ता ढूंढना होगा। गुरुदेव, आप ही ने तो शिक्षा दी है कि कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कालपी में तात्या टोपे हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, वहां जाकर पुनः स्वाधीनता संग्राम का बिगुल फूंकेंगे। Yeah!
आर्मी। तुम अपना सैनिक को लेके उसको फॉलो करो, गो। ओके। लक्ष्मी भाई को हा ब्यूटिफुल डार्क एंड टेरिबल क्वीन झांसी ऑफ क्वीन। रानी कौन सा रानी? हुजूर खा गए ना धोखा। अरे झांसी की रानी नहीं है ये, झलकारी कोई है। अरे पापी देशद्रोही, चुल्लो भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे सर, इससे पहले कि झांसी की रानी सीमा पार करे हमें उसे पकड़ना होगा। ये वॉकर का वादा है। हम झांसी पर कब्जा कर लिया। मुबारक हो हुजूर, मुबारक हो। झांसी पर फतह हो गई आपकी, अब तो किला और महल दोनों आपके कब्जे में आ गए हुजूर। गुड। अब तो आप मानते हैं ना मेरे दिमाग को हुजूर। जरूर। अब वादे के मुताबिक आपको मुझे राजगद्दी पर बिठाना पड़ेगा हुजूर। जरूर। Why not? तुम्हें हम किंग ऑफ झांसी बना देगा, लेकिन उस बात की क्या गारंटी है कि तुम किंग ऑफ झांसी बनने के बाद हमारे साथ वफादारी करेगा? क्या बात कर रहे हो हुजूर, मैं तो बहुत ही वफादार आदमी हूँ हुजूर। जो इंसान अपने परिवार का नहीं हुआ, समाज का नहीं हुआ, वो अपने देश का क्या होगा? हम सही कहता हूँ ना? I'm right. समझ गया, समझ गया। तुम्हारी नीयत बदल चुकी है। झांसी पर कब्जा करने के बाद तुम बदल चुके हो। लेकिन मैं जिसे राजगद्दी पर बिठा सकता हूँ उसे राजगद्दी से उतार भी सकता हूँ। मेरे पास अभी भी उतनी फौज है जो तुम्हारे लिए काफी है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तुम नाराज क्यों होता है नवाब? तुमको राजा बनना है ना? हम तुमको राजा बनाएगा। ऑफिसर कमांडर, इसे राजा बना दो। चौपों की सलामी के साथ राजा बनेगा। अरे भाई छोड़ो, मैं राजा बनने जा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? अरे अरे छोड़ो मुझे हुजूर, हुजूर छोड़ो मुझे। अरे अरे ये धोखा है मेरे साथ, धोखा कर रहे हो तुम लोग। छोड़ो, छोड़ो। किंग ऑफ झांसी बनेगा। बोलो बेटे। माँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। होशियार, फिरंगी आ रहे हैं। वो लोग नजदीक आ रहे हैं। सभी अपना अपना स्थान ले लो। पेड़ की आड़ से हम गोरों पर फायरिंग करेंगे ताकि उनकी गोलियां खत्म हो जाएं, और फिर हम सब मिलकर तलवार से उन पर हमला करेंगे। लेकिन रानी साहिबा, जाओ चलो। Thank you.
प्रकार संघर्ष से जूझती हुई महारानी नदी नाले बीहर जंगलों को पार करती हुई कालपी पहुंची। घोड़ा शहीद हो गया है। गुल मोहम्मद, रामचंद्र, चिंता मत कीजिए, दूसरा घोड़ा आ जाएगा। वफादार था, बहुत साथ दिया उसने आपका, वो भी शहीद हो गया। रानी साहिबा, आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो इन सब का क्या होगा? मोती बाई कैसी हैं? दुर्भाग्य। हाँ? मोती बाई झांसी की लड़ाई में शहीद हो गई। और जूही? बच गई, इस वक्त राव साहब के शिविर में रणवास के साथ है। आप कहें तो मैं उसे बुलाऊं? अभी नहीं, हम सब राज दरबार में मिलेंगे। भाई साहब सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। ओनी को कौन डाल सकता है, हम आपके साथ हैं। हम सब मिलकर अंग्रेजों को दिखा देंगे कि हिंदुस्तानी तलवार में कितना दम है। ये तलवार आप अपने पास रखिए, आपके पूर्वजों ने ये तलवार हम लोगों को दी थी। ईश्वर की कृपा से मेरे पूर्वजों ने और मैंने इसका अच्छा प्रयोग किया। आज आपकी कृपा से ये तलवार वंचित हो गई है, इसलिए इसे आप वापस ले लीजिए। हाँ राव साहब, जो भी हुआ सो हुआ, अब आप अगली रणनीति पर विचार करें। कृपा पूर्वक इस तलवार को ग्रहण करें। आपका सुझाव बिल्कुल उचित माना जाएगा, अब आप आराम कर सकती हैं। मई 1858 को सुबह अंग्रेजों ने कालपी पर हमला कर दिया। रानी ने बड़ी चालाकी से अपने वीरता के बल पर सरदारों को मौत के मुंह से छुड़ाकर गोपालपुरा पहुंची। मेरा विचार है हमें नागपुर से सहायता लेनी चाहिए, मुझे पूर्ण विश्वास है हमें वहां से भरपूर सहायता मिलेगी। नहीं, इससे अच्छा होगा निजाम, वहां के नवाब हमारी मदद करेंगे। नहीं, हमें ज्यादा सहायता महाराज से मिल सकती है। मेरा ख्याल है अब ठीक रहेगा। इससे अच्छा ये रहेगा किसी अंग्रेजी छावनी पे हमला किया जाए, ताकि हम अपना खोया हुआ राज्य वापस पा सकें। नहीं, बिना हथियार और तोप के छावनी पर हमला करना मौत को दावत देने के समान होगा। रानी साहिबा, आपने अपनी जान पे खेलकर हम सबको रणभूमि से बचाया है, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाएं, आपका फैसला हमें मंजूर होगा। इतिहास गवाह है कि जिन वीरों ने इतिहास रचा है उन्होंने हमेशा किलों का ही सहारा लिया है। आगे बढ़ने से पहले हमें भी कोई ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तो फिर आप ही बताइए रानी साहिबा। तो फिर मेरे ख्याल से एक ठिकाना है, ग्वालियर का किला कैसा रहेगा? ग्वालियर? ग्वालियर? हाँ, ग्वालियर, 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 ग्वालियर। इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता रानी साहिबा। हाँ बिल्कुल, झांसी का जो किला हमने खोया है उसके बदले ये किला उपयुक्त होगा। लेकिन रानी साहिबा, लेकिन वेकिन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बिना तैयारी के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वह आत्मवध के समान है। सोचो, ग्वालियर में इतने बनी बनाए तोपे, बंदूकें, तलवारें, गोले, सारी सामग्री मौजूद है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैं रानी साहिबा के बातों से सहमत हूँ। रानी साहिबा की जय! रानी साहिबा की जय! रानी साहिबा की जय! लेकिन ग्वालियर के अन्य सरदारों को भी हमें अपने पक्ष में लेना होगा। विश्वास में लेने की बात मुझ पर छोड़िए, आपका यह तात्या किस दिन काम आएगा? बलवंत राव और दिनकर राव यह स्वराज्य स्थापना के सपने देख रहे हैं। आप ग्वालियर आने की तैयारी कीजिए, राजा साहब को मैं देखता हूँ। अच्छा, ये पत्र झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भेजा है। मंत्री जी पढ़िए इसे। आदरणीय राजा धीराज, सादर प्रणाम। इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता। हम लोग अगर साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध करें तो स्वराज प्राप्त हो सकता है। तात्या, ये बड़ी खुशी की बात है,
कि बहादुरी कूट कूट कर भरी है रानी में। जाइए जाकर कह दीजिए महारानी लक्ष्मीबाई से कि हमारी सेना साथ साथ लड़ेगी अंग्रेजों से। रानी की लाल कुर्ता वाली सेना राव साहब के साथ ग्वालियर आ चुकी थी। ये क्या, तोपों की सलामी? लगता है हमारे स्वागत के लिए हो रहा है। रंग तो कुछ और बता रहा है। लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ मुंदर, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें आगे बढ़कर हमला करना ही होगा। किसी भी हालत में हमें किला पे कब्जा करना ही पड़ेगा। रानी समझ नहीं पाई। दिनकर राव तथा दो सरदार अपनी सेना लेकर पेशवा सेना पर टूट पड़े, लेकिन लक्ष्मीबाई की वीरता के आगे टिक न सके। महारानी ने उनके किले पर कब्जा किया। राव साहब को राजा बना दिया गया। राव साहब, ये क्या रानी साहिबा, कहाँ थी आप? कहाँ कहाँ ढूंढा हमने? ये सब आप ही की बदौलत है और आप ही नजारत है, क्यों तातिया? महाराज, मैं भला क्या कह सकता हूँ। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी तातिया, और आपसे भी नहीं राव साहब। विजय के मद में इस तरह खो जाना आपको शोभा नहीं देता। माना कि आपने ग्वालियर के किले पर अपना अधिकार पा लिया है, पर सेना में अभी तक अनुशासन नहीं है। अंग्रेज चतुर है, चालाक है, वो कब हम पे आक्रमण कर दे इस विषय में कोई कुछ नहीं कह सकता। रानी साहब, आप चिंता क्यों करती हैं? अपने साथ तातिया है, इतना बड़ा किला है, डरने की कोई बात नहीं है। राव साहब, किले में बंद होकर आप लड़ाई लड़ने की बात मत सोचिए। हमें अंग्रेजों से आगे बढ़कर सामना करना है। हमें मुरार की पहाड़ियों पर तोपखाना लगवाना है। अगर गोरी फौज हम पर हमला करती है तो हमें उनकी पलटन पर छापा मारने के लिए कई कई जगहों पर गड्ढे भी खोदने होंगे। आप अपने सेना से बात करके, अपने सरदारों से बात करके उन्हें अनुशासित कीजिए। यह क्या रानी साहिबा, आप बहुत जल्दी चिंतित हो जाती हैं। देखो तातिया, तातिया सरदार होके भी खामोश है। आपने जैसा सोचा वैसा ही होगा। चलता दिया। रानी के लाख समझाने पर भी महफिलें सुनी नहीं हुई। वे ग्वालियर के निकटवर्ती पहाड़, जंगल और मैदानों का बारीकी से निरीक्षण करती हुई एक और निकल गई अपने सहेलियों के साथ। नहीं नहीं रानी सरकार, ये पानी मत पीजिए। क्यों? ये पानी अच्छा नहीं है। वहाँ एक कुटिया है, वहाँ चलकर पानी पीते हैं। तुझे कैसे मालूम? महारानी की शिष्य और सहेली हूँ, दोनों हूँ। वो देखिए पत्थर पर क्या लिखा है। सोनरेखा नदी। तो सही कहती है, चल कुटिया में चल के पानी पीते हैं। चलिए। गुप्त सूचना मिली है कि जनरल रोज की सेना ग्वालियर को घेरने आ रही है, क्योंकि सत्ता के मद में चूर राव साहब रंगरेलियों में डूबे पेशवा अपने सहयोगियों के साथ जश्न मना रहे हैं। सोने चांदी हीरे मोती, ये मेरे किस काम के, साथ है मेरे आज रसिया, कल संग किसी के नाम के। No!
बोले करना भरोसा। अट्ठावन को सुबह अंग्रेजों ने हमला कर दिया। Come on!
सब ठीक हो जाएगा। वानी, वानी। बाबा, हाँ, मुंह खोलो। हाँ, ये लो। हाँ, हाँ। महारानी जी, हाँ, संभल के। हाँ। हे माँ, मुझे क्षमा कर माँ, मुझे क्षमा कर, तुम्हें आजाद नहीं करवा पाई, माँ, मैं तुम्हें आजाद नहीं कर पाई, मेरे मरने के बाद ये अधर्मी अंग्रेज मेरे शव को छू ना पाए, वचन दो मुझे, वचन दो, जय देश, जय जय भारत। क्या हो गया? पापा, ये क्या हो गया? बस सब्र करो। हे झांसी की रानी, तेरा ये बलिदान युगों युगों तक अमर रहेगा, अमर रहेगा। आप लोग अब मोह को त्यागो और इस देवी का दाह संस्कार करने की सोचो। कहीं अंग्रेज लोग ढूंढते ढूंढते पहुंच गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। क्या करें, क्या करें अभी? यहाँ हरियाली में लकड़ी कहाँ मिलेगी? वो घास और लकड़ी पड़ी है, अभी लाता हूँ। हे भगवान, ये कैसी विडंबना है, झांसी की रानी के लिए सूखी घास। शांत रहो, शांत रहो। आप लोग इस वक्त रोते क्यों हैं? अरे देश की महान वीरांगना वीर गति को प्राप्त हुई है और आप लोग रो रहे हैं। निकाल लो मेरी कुटिया की लकड़ियों को और दाह संस्कार कर डालो। आप रहेंगे कहाँ? अरे उस ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, वो और भी देगा। ले चलो इस वीरांगना को मेरी कुटिया में, संभल के। जीते जी कोई छू न सका, ना रोक सका विजय अभियान। नाम अमर झांसी रानी, जपता रहे जपता रहेगा हिंदुस्तान, जपता रहेगा हिंदुस्तान। ये क्या हो रहा है? ए मूर्ख, दिखता नहीं है, देवी का है, देवी का। आओ, गॉड ब्लेसिंग है, हम तुम्हारा गॉड को सैल्यूट करता है, तुम भी सैल्यूट करो, सैल्यूट सैल्यूट, कम ऑन। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई माँ, तुमने जीते जी तो अंग्रेज फिरंगियों का सर झुकाया और मरने के बाद भी अंग्रेजों का सर झुकाया, हम सब तुमको सलाम करते हैं, सलाम करते हैं। ए माँ, आज से ये गुल मोहम्मद नहीं, गुल साहिब बन के तुम्हारी सेवा करेगा। बढ़ते जाए रे, वो एक मर्दानी झांसी की रानी, जय वीर भवानी झांसी की रानी। कोई उसको रोक न पाए रे, वो आगे बढ़
वो एक मर्दानी झांसी की रानी, जय वीर भवानी झांसी की रानी, वो एक मर्दानी झांसी।